आज हम पॉलिनोमियल में फैक्टर थ्योरम को समझेंगे तो हम एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं एग्जामिन वेदर एक्स प्लस टू इज़ अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स क्या ये फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का एक्स प्लस टू तो इसको पता लगाने के लिए बेसिकली फैक्टर ये कब होगा अगर हम एक्स प्लस टू को एक्स प्लस टू को से एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स को डिवाइड करें और डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आपका जीरो बचे यहाँ पे लास्ट में रिमाइंडर जीरो बचता है अगर तो ये फैक्टर होगा एक्स प्लस टू और अगर रिमाइंडर जीरो नहीं बचता तो ये फैक्टर नहीं होगा तो एक तो मेथड हो गया ये लॉन्ग डिवीजन मेथड आप पूरा इसको डिवाइड करें और लास्ट में रिमाइंडर जीरो बचा तो आपको पता चल जाएगा तो आप लिखोगे सो एक्स प्लस टू इज़ अ फैक्टर बट यहाँ हम फैक्टर थ्योरम यूज़ कर रहे हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड इस्तेमाल नहीं कर रहे तो ये लॉन्ग डिविजन मैथड है जो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो अब हम फैक्टर थ्योरम लग तो फैक्टर थ्योरम में क्या करते हैं चूंकि हमें पता करना है एक्स प्लस फैक्टर है कि नहीं तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो यानी एक्स की वैल्यू निकालोगे सो एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस टू यानी हमें एक्स की जगह माइनस टू रखना है तो पी माइनस टू आपने रखा पी माइनस टू की वैल्यू क्या आनी चाहिए आपका पी माइनस टू आना चाहिए जीरो अगर पी माइनस टू जीरो आएगा तो वो फैक्टर होगा तो कैसे पता करेंगे हम आपने एक्स क्यूब मैं वैल्यू रख दी माइनस टू का होल क्यूब हो गया प्लस थ्री एक्स स्क्वायर में एक्स में वैल्यू रखी माइनस टू स्क्वायर प्लस फाइव एक्स फाइव इंटू माइनस टू और प्लस सिक्स इसे सॉल्व कर दिया ये आ जाएगा माइनस एट प्लस माइनस टू का स्क्वायर तो माइनस टू इंटू माइनस टू फोर फोर थ्री जा ट्वेल्व ये पॉजिटिव आ गया फाइव टू जा टेन ये नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि माइनस है और ये आपकी पॉजिटिव वैल्यू है अब जो पॉजिटिव है उन्हें आपस में और जो नेगेटिव है उन्हें आपस में ऐड कर लीजिए माइनस एट माइनस टेन हो गया माइनस एटीन प्लस ट्वेल्व प्लस सिक्स हो गया प्लस एटीन और सॉल्व करके आंसर आ गया आपका जीरो सिंस पी माइनस टू इज इक्वल टू जीरो चूंकि ये जीरो है तो आप लिखोगे सो एक्स प्लस टू इज अ फैक्टर इसी को हम फैक्टर थ्योरम कहते हैं यानी फैक्टर थ्योरम में सिर्फ वैल्यू पुट करके आप सॉल्व करके आंसर निकाल देते हो वरना लॉन्ग डिविजन मेथड टाइम टेकिंग होता है और उसमें आपको समय भी ज़्यादा लगता है